This video is not made for kids. Hello and welcome everyone. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब ये जो क्रॉप्स है, इन्हीं की वजह से तो हमारे पास फूड आता है। भैया, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें फूड की जरूरत पड़ती क्यों है? आखिरकार हमें खाना चाहिए क्यों? Why do we need food? आखिरकार हमें खाने की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसा मोटू लाल ने पूछा। हमें फूड की जरूरत इसलिए पड़ती है जिससे हमें एनर्जी मिले, हम लोग हेल्दी रह पाए, साथ ही में हम लोग ग्रो भी हो पाए, मतलब कि हम लोगों की हाइट बढ़ पाए, हम लोगों का वेट इंक्रीज हो पाए, हम लोग बढ़ पाए। अरे भैया, मोटू लाल तो बहुत अलग अलग जगह से बढ़ रहा है। उसका पेट देखो कितना ज्यादा भर गया है। इसको बोलिए जरा ये कम बढ़े और कम फूड खाया करे। चीकू के बच्चे, तू रुक जा, अभी क्लास खत्म होने दे, उसके बाद तेरा कीमा बना दूंगा मैं। देख लो भैया, ये मोटू लाल फिर दोबारा कीमे की बात कर रहा है। इसको फिर खाना याद आ गया। जरा इसको बोलिए कि खाने के बारे में थोड़ा कम सोचा करे और पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दिया करे। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें फूड की जरूरत क्यों पड़ती है। हमें खाने की जरूरत पड़ती है जिससे कि हमारी बॉडी क्या हो पाए, हमारी बॉडी को एनर्जी मिल पाए, हेल्दी रह पाए, ग्रो हो पाए, और अगर हमें कभी कोई चोट लग जाए तो वो भी जल्दी से ठीक हो पाए। लेकिन ये जो फूड है, ये हमारे पास आता कहाँ से है? दो तरीके हैं जहाँ से हमारे पास फूड आता है, एक तो प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स। अब एनिमल्स और प्लांट्स के पास कहाँ से फूड आता है? जो प्लांट्स हैं, ज़्यादातर वो अपना फूड खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स को खाकर अपनी एनर्जी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि आपने चिकन को देखा होगा, चिकन क्या करती है, घास को खा लेती है, घास इज अ प्लांट। जब वो ग्रास को खा लेती है फिर आप चिकन को खा लेते हो, तो इस तरीके से ग्रास को एनर्जी मिलती है और चिकन को खाकर खुद एनर्जी ले लेते हो। अब यहाँ पर क्रॉप किसे बोलते हैं हम लोग? देखो, जब हमने बहुत सारे सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को एक ही जगह पर लगा दिया, बहुत सारे, जैसे मैंने क्या करा, वीट का एक प्लांट लिया, ऐसे ही वीट के बहुत सारे प्लांट एक जगह पर लगा दिए एक साथ, तो उसे ही हम लोग बोलेंगे क्रॉप। सिंपली जब बहुत सारे, व्हेन वी कल्टीवेट सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल एट वन प्लेस, इट इज़ कॉल्ड एज क्रॉप। अब कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, ऐसे ही क्रॉप्स नहीं ग्रो हो जाते कि आप गए, आपने प्लांट लगाया और क्रॉप ग्रो कर गए। बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीजन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कुछ क्रॉप्स। जैसे कुछ क्रॉप्स होते हैं रबी क्रॉप, फर्स्ट वाले, ये क्रॉप्स जो होते हैं ये विंटर सीजन के अंदर ही ग्रो करते हैं। अब मैंने तो इसे ऐसे याद करा था, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं होता था। अब ये जो रबी वर्ड है ना, इससे मेरे जो मामा थे, रवि मामा, वो हमेशा सर्दियों के अंदर आया करते थे, तो मुझे याद करने के लिए तरीका मिल गया कि मामा सर्दियों के अंदर आते हैं तो ज़रूर ये क्रॉप्स भी सर्दियों के अंदर ही उगते होंगे। तो इसी तरीके से आप भी याद कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या होते हैं रबी क्रॉप के? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो यहाँ पर रबी क्रॉप्स आपको दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। इसके बाद आते हैं हमारे खारिफ क्रॉप्स। अभी जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं ये जून टू सितंबर के अंदर ग्रो करते हैं, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है रेनी सीजन या फिर जब गर्मियाँ होती है। देखो, जून के अंदर गर्मियाँ होती है तो उस टाइम पर ये ग्रो करते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं खारिफ क्रॉप्स के? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एंड अदर्स। तो यहाँ पर मैंने आपको और भी जो खरीफ क्रॉप्स हैं उनकी पिक्चर्स दे दी हैं। आगे चलते हैं हम लोग के। आखिर हमने सीख लिया कि दो सीजनल क्रॉप्स होते हैं, एक होते हैं जो कि विंटर्स के अंदर ग्रो करते हैं, एक होते हैं जो समर्स के अंदर ग्रो करते हैं। अब एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर हम लोगों को अगर क्रॉप्स उगाने होते हैं तो हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमें सॉइल को प्रिपेयर करना होता है, दूसरा स्टेप होता है हमें सीड्स को सो करना होता है, तीसरा स्टेप होता है हमें सॉइल के अंदर यानी कि प्लांट्स के आसपास मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना होता है, फोर्थ स्टेप है इरिगेशन, मतलब पेड़ों को पानी देना होता है, फिफ्थ स्टेप है वीडिंग, जो अनवांटेड, अनचाहे प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं आसपास उनको भी हमें हटाना होता है, सिक्स स्टेप है हार्वेस्टिंग, और सेवन्थ स्टेप है जो भी हार्वेस्टिंग, मतलब जो भी हमारी क्रॉप उग गई है उसे काटना और स्टोरेज, उस क्रॉप को फिर स्टोर कर लेना। तो सेवन स्टेप्स होते हैं हमारे एग्रीकल्चर के अंदर और हम इन सेवन स्टेप्स को डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। भैया, जैसे हमें एग्जाम से पहले तैयार होने की जरूरत पड़ती है, क्या सॉइल भी ऐसे ही तैयार होता है क्रॉप्स को ग्रो करने से पहले? बिल्कुल मोटू लाल,
जब भी हमें क्रॉप को ग्रो करना होता है उससे पहले हमें प्रिपेयर करना पड़ता है हमारे सॉइल को। अब ये जो सॉइल प्रिपरेशन है इसके अंदर हमें क्या क्या करना होता है, तो ये क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो ये एक तरीके से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है। क्या है कि हम लोग सॉइल को टर्न और लूज कर दें। अब इससे क्या बेनिफिट होता है अभी देखेंगे हम लोग। अब अगर हम लोग सॉइल को टर्न और लूज कर देंगे तो जो रूट्स हैं वो डीपली सॉइल के अंदर तक जा पाएंगे और लूज सॉइल की वजह से जो रूट्स हैं वो इजीली ब्रीद भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने दो जार लिए, उसके अंदर एक सॉइल के अंदर मैंने थोड़ा लूज कर दिया एक जार की मिट्टी को और एक जार की जो सॉइल थी वो टाइट थी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इतने सारे छेद प्रेजेंट है, लूज है सॉइल, बीच बीच में स्पेस है अवेलेबल, तो एयर आ जा पा रही। अब आपको पता है कि प्लांट्स को भी क्या चाहिए होती है, एयर चाहिए होती है, तो आसानी से प्लांट को एयर मिल पा रही है। दूसरी चीज, जो रूट्स हैं वो काफ़ी डीप तक अंदर जा पाएंगे सॉइल के। यहीं पर जो दूसरी जगह है जहाँ पर सॉइल को लूज नहीं करा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एयर पास होने के लिए जगह है ही नहीं और इसकी जो रूट्स हैं वो भी डीपली अंदर तक नहीं जा पाई हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो कंसेप्ट है क्लियर होता है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है सॉइल को टर्न और लूज करना। अब जो ये लूजन सॉइल है, मतलब जो कि ये सॉइल थोड़ी सी लूज हो जाती है, इसकी हेल्प से अर्थवॉर्म भी ग्रो करते हैं और बहुत सारे माइक्रोब्स भी ग्रो करते हैं। अब ये जो अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स है आखिर इनका क्या फ़ायदा है ग्रो करने का हमारे सॉइल के अंदर, ये होते हैं फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, क्योंकि आगे जाकर ये लोग सॉइल को और ज़्यादा लूज कर देते हैं, मतलब कि और ज़्यादा सॉइल के अंदर स्पेस क्रिएट कर देते हैं और ह्यूमस भी उसके अंदर ऐड कर देते हैं। व्हाट इज़ ह्यूमस? ह्यूमस एक तरीके का मैन्योर होता है, मैन्योर के बारे में थोड़ी देर में आप पढ़ने वाले हो। ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। Turning and losing of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plant can use these nutrients. अब जो nutrient-rich soil होता है, जिस soil के अंदर बहुत सारे nutrients होते हैं, वो वाला soil भी ऊपर आ जाता है इस process से जब हम लोग soil को lose करते हैं, ठीक है, मतलब ऊपर नीचे करते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि टर्निंग और लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स को उगाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुछ टूल्स हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले पुराने ज़माने के अंदर जो ट्रेडिशनल टूल्स थे उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर प्लो, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, एक तरीके का ये डिवाइस है जिसको यहाँ पर ऐड कर दिया है, किसके पीछे, एनिमल्स के पीछे। अब एनिमल्स आगे चल रहे हैं और ये ज़मीन के अंदर गड़ा रहेगा डिवाइस, तो इससे क्या हो जाएगी, मिट्टी सारी लूज हो जाएगी। दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एशियन टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, तो इसको बहुत पुराने समय से यूज़ करा जा रहा है, दिस इज़ एन एंशियंट इंस्ट्रूमेंट फॉर फार्मिंग। इसके बाद आती है हो। हो क्या चीज़ होती है, इट इज़ अ सिंपल टूल जिससे कि हम लोग वीड्स को भी रिमूव कर सकते हैं और सॉइल को भी लूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आते हैं, हमारा कल्टीवेटर जो आजकल मॉडर्न फार्मिंग के अंदर लोग यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो कितना बड़ा इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही ये था और यहाँ पर कल्टीवेटर में देखिए कितने सारे ऐसे हैं और ये कितना बड़ा है। और कल्टीवेटर के अंदर आप देख सकते हो ट्रैक्टर है आगे, तो बहुत ही आसानी से ये काम बहुत ही कम समय के अंदर हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे क्या होगा, लेबर और टाइम दोनों की बचत होगी। तो आजकल कल्टीवेटर्स का यूज़ होता है। अब आपको पता चला सॉइल को लूज़ करने के लिए 3 टूल्स यूज़ होते थे, पहले होता था प्लो, फिर उसके बाद हो भी यूज़ होता है आजकल, और फिर कल्टीवेटर्स। अब बात करते हैं हम लोग, अब हमने सॉइल को लूज़ कर लिया, इसके बाद क्या करना है, हम सॉइल के अंदर सीड्स को सो करेंगे, मतलब कि बीज को बोएंगे। अरे भैया, अगर हम लोग सीड्स को सो कर देंगे उसके बाद तो हमारा काम ही खत्म, फिर तो वो खुद ब खुद अपने आप उग जाएंगे। अरे मोटूलाल, लगता है तुमने ऊपर वाले प्रोसेस पे ध्यान नहीं दिया। अभी तो बहुत सारे और भी स्टेप्स हैं जो हमें लेने पड़ेंगे, उसके बाद फाइनली हमें क्रॉप्स मिलते हैं। इतना भी आसान नहीं है सीड्स को सो करना। सीड्स को सो करने से पहले फार्मर्स को गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स को सेलेक्ट करना पड़ता है, और फार्मर्स प्रेफर करते हैं ऐसे सीड्स को चूज़ करना जो बहुत जल्दी अच्छे से ग्रो करें। तो जिनकी हाई यील्ड हो वैसे वाले सीड्स को फार्मर्स प्रेफर करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रेडिशनल टूल को। अब ट्रेडिशनल टूल के अंदर क्या होता था, ये आप देख रहे हो कि एक तरीके से यहाँ पर एक पाइप कनेक्ट कर दिया है और ये एनिमल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, आगे चलते जाएंगे और इस पाइप के अंदर ये दोनों फार्मर्स सीड्स डालते जाएंगे और ये सीड्स फिर अर्थ के अंदर अपने आप जाते जाएंगे और ग्रो हो जाएंगे। फिर आते हैं हमारे ट्रेडिशनल टूल जो है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये कैसी शेप होती है, इसकी फनल जैसी शेप है, ये देखिए ऊपर फनल जैसी शेप है जिसके अंदर ये जो फार्मर्स है ये सीड्स को फिल कर रहे हैं। फिर आते हैं हमारे सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है, एक तरीके का मॉडर्न टूल है। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा सा एक टैंक होता है जिसको फार्मर अपने ट्रैक्टर के ऊपर रख लेता है। इस ट्रैक्टर के अंदर जो ये टैंक होता है इसके अंदर बहुत सारे सीड्स फिल्ड होते हैं। अब ये जो सीड्स है यहाँ पर ये आपको दिख रही है सीड ड्रिल, इसके अंदर जाते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देरी पे और जैसे ही फार्मर ट्रैक्टर को चलाता रहता है सीड्स अपने आप ज़मीन के अंदर सो होते रहते हैं। अब आप सोचोगे सर ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है, तो ये प्रोसेस ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक होता है। इसके अंदर फार्मर को ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस सीड एक टैंक के अंदर फिल करने होते हैं और अपने इस ट्रैक्टर को चलाना होता है और सीड्स अपने आप सो होते रहते हैं। तो सीड ड्रिल क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर हम लोग सीड्स को सो करते हैं। इससे जो सीड्स हैं वो यूनिफॉर्मली प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर सो होते हैं और जो सीड्स हैं वो सॉइल के अंदर अच्छे से कवर भी हो जाते हैं, डैमेज भी नहीं होता इन सीड्स के अंदर। डैमेज जो बर्ड्स कर देती हैं उससे नहीं होता इन सीड्स को। कैसे होता है देखो, यहाँ पर जिसने ग्रो करे सीड्स को ये थोड़ा ऊपर ही ऊपर रह जाते हैं सीड्स, तो बर्ड्स आती हैं उड़ते उड़ते मज़े से इन सीड्स को खाकर भाग जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी अंदर तक सीड्स चले जाते हैं तो जो बर्ड्स है वो अंदर तक सॉइल के नहीं जा पाती और डैमेज सीड्स को नहीं कर पाती, उन सीड्स को नहीं खा पाती। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया अच्छे से दो मेथड्स ऑफ सोइंग प्लांट्स। इसके बाद हमें ऐड करना होता है मैन्योर और फर्टिलाइज़र। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? भैया यही सेम सवाल मैंने अपने मामा से पूछा था, उन्होंने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन आप ही बता दीजिए कि हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को सॉइल के अंदर ऐड क्यों करते हैं? एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है, जब हम लोग किसी भी फील्ड के अंदर बार बार क्रॉप्स ग्रो करते रहते हैं तो उस फील्ड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी हो जाती है। अब ये न्यूट्रिएंट्स कम होने की वजह से जब हम कोई और नई क्रॉप को ग्रो करते हैं तो वो थोड़ा स्लो स्लो ग्रो होती है, तो फार्मर्स को तो स्लो ग्रोथ नहीं चाहिए, तो वो लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड कर देते हैं सॉइल के अंदर, जिससे कि सॉइल के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाएं और फिर हमारा जो न्यू क्रॉप है वो जल्दी से ग्रो हो पाए। अब मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइजर क्या होता है? मैन्योर क्या होता है, प्लांट्स और जो एनिमल्स का वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको जो फार्मर्स होते हैं वो एक जगह पर कलेक्ट करते रहते हैं और ये डीकम्पोज होने के बाद, मतलब कि सड़ने के बाद, एक तरीके से सड़ने गलने के बाद एक तरीके से हमारा मैन्योर बन जाता है और ये जो डीकम्पोजिशन होता है इसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। अब इसी डीकम्पोज मैटर को हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं और इसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर, हमारे फार्म्स के अंदर। अब यहाँ पर कोई भी केमिकल का यूजेज नहीं हुआ, लेकिन फर्टिलाइजर्स फिर बाद में आए, जब मॉडर्न जमाना आया तब फर्टिलाइजर्स का डेवलपमेंट हुआ। फर्टिलाइजर्स होते हैं केमिकल सब्सटेंस जो कि पर्टिकुलरली रिच होते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स। जैसे फार्मर्स को पता है कि अगर हम लोग मान लीजिए प्रोटीन ज़्यादा डाल देंगे, प्रोटीन हम लोग ज़्यादा डालेंगे सॉइल के अंदर तो फिर हमारी जो सीड्स हैं वो प्रोटीन रिच होंगे, तो इस तरीके से फार्मर्स क्या करते हैं कुछ केमिकल्स को भी ऐड कर देते हैं। अब ये जो केमिकल्स है ना, केमिकल्स से काफ़ी ज़्यादा फटाफट ग्रोथ होती है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, फैक्ट्रीज़ के अंदर। मैन्योर कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे थे, मैन्योर तो फार्म के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहे थे, जो प्लांट्स और एनिमल्स का वेस्ट प्रोडक्ट था, मतलब सड़ी गली चीज़ें थी उन्हीं से हम लोग मैन्योर बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये तो केमिकल्स हैं। तो जो फर्टिलाइजर्स हैं इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK मतलब नाइट्रोजन फॉस्फरस पोटेशियम। लेकिन अब आप लोग ये सोचोगे कि अगर हम लोग बहुत सारा फर्टिलाइज़र डाल दें तो फिर तो क्रॉप फटाफट ग्रो करने लग जाएगी,
एक चीज का ध्यान रखना है कि ये है तो केमिकल्स ही, अगर हम लोग बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज कर लेंगे फर्टिलाइजर का तो हमारी सॉइल परमानेंटली डैमेज हो सकती है, खराब हो सकती है, कभी भी उसके अंदर कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं करेगा। तो फर्टिलाइजर्स को भी हमें काफी ज्यादा यूजफुली यूज करना होता है, संभाल कर यूज करना होता है। और फर्टिलाइजर्स के कुछ मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कुछ नुकसान भी हैं। ये है ना, वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं। कैसे पॉल्यूट करते हैं? जैसे मान लो आपने बहुत सारे फर्टिलाइजर्स को अपनी क्रॉप्स के अंदर डाल दिया, अब जो क्रॉप्स हैं उनको आपने क्या करा, वाटर दिया, इरिगेशन करना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है क्रॉप्स के अंदर। अब वो जो केमिकल्स वगैरह उसके ऊपर होंगे आपकी क्रॉप के ऊपर, ये फर्टिलाइजर्स वाले, ये पानी के साथ मिल जाएंगे और इसी चीज़ से क्या हो जाएगा, हमारा वाटर पॉल्यूट हो जाएगा। यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का। मैन्योर क्या है? मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब होता है केमिकल। अब ये सॉल्ट नमक वाले नहीं होते। अब आप बड़ी क्लास में आके हो, एट्थ में आके हो, तो सॉल्ट का मतलब अब आपको ये समझना है कि केमिकल्स को हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। मैन्योर, मैन्योर क्या है? नेचुरल सब्सटेंस है जिसे हम लोग ऑप्टेन करते हैं बाय डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग। कैटल डंग क्या हो गया? गोबर, गाय का गोबर हो गया। प्लांट का रेजिड्यू, मतलब कोई प्लांट जो सूखे वगैरह हो गए, खराब पत्तियां हो गई प्लांट की, उससे भी हम लोग मैन्योर प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज के अंदर प्रिपेयर होता है, मैन्योर को हम लोग फील्ड के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, घर के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ तक कि फर्टिलाइजर्स से जो ह्यूमस नहीं मिलता सॉइल को, और मैन्योर से बहुत सारी क्वांटिटी में ह्यूमस मिल जाता है सॉइल को। फर्टिलाइजर्स रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। मैन्योर रिलेटिवली लेस रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है तो फटाफट लाइक कर दो, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप मेंबर भी बन सकते हो। मेंबर बनने के क्या बेनिफिट है? आपको शाउटआउट मिलेगा कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, ऑन डिमांड वीडियोस लाई जाएंगी, और साथ ही में स्पेशल बैज होगा आपके नाम के आगे, जिससे पता चलेगा कि आप कब से हमें सपोर्ट करते आ रहे हो। फोर्थ, आपको कस्टम इमोजीज भी मिलने वाले हैं, और डायरेक्टली आप हमें सपोर्ट कर रहे हो कि हम ऐसे ही वीडियोस बना सके मेंबर बनके। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन हम कंटिन्यू करते हैं हमारी वीडियो को आगे। अब हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। आखिर मैन्योर फर्टिलाइजर से कैसे बेटर है? सबसे पहले तो मैन्योर ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक का मतलब कि हम लोग इसको बनाने में किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकली प्रिपेयर्ड होते हैं। इस वजह से ऑर्गेनिक मैन्योर बेटर कंसीडर करा जाता है फर्टिलाइजर से। मैन्योर से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की, वो भी इंक्रीज होती है। जो सॉइल है वो और ज़्यादा पोरस हो जाता है ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर जब हम लोग मैन्योर का यूज़ करते हैं तो बहुत ही आसानी से जो गैसेस हैं वो सॉइल के अंदर से पास हो पाती हैं कंपेयर टू फर्टिलाइजर्स। और साथ ही में मैन्योर से इंक्रीज होते हैं फ्रेंडली माइक्रोब्स। टेक्सचर भी सॉइल का इम्प्रूव होता है, जबकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही ऊपर पढ़ा है कि अगर एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स का यूज़ हम लोग कर लें तो क्या हो सकती है, हमारी पूरी की पूरी फील्ड परमानेंटली डैमेज हो सकती है, उसके ऊपर फिर फर्दर कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं करेगा। अब देखते हैं हम लोग इरिगेशन। इरिगेशन मतलब कि पानी देना। अरे भैया, लेकिन पेड़ों को पानी क्यों चाहिए? हम लोग तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं और फिर थक जाते हैं तो हमें प्यास भी लगती है, लेकिन पेड़ क्या काम करते हैं? वो तो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं मस्ती से। अच्छा मोटू लाल, तुम्हें ऐसा लगता है कि पेड़ कुछ भी काम नहीं करते? पेड़ इतना इम्पोर्टेंट काम करते हैं, हमें खाना बनाकर देते हैं। सेम गोज विद क्रॉप्स। अब यहाँ पर हम लोग जो क्रॉप्स हैं उन्हें डिफरेंट टाइम इंटरवल पर वाटर सप्लाई करते हैं। अब जैसे आपको प्यास लगती है, आपको क्या एक बार में पूरा एक दिन का इकट्ठा पानी पी लेते हो? क्योंकि आपको पता है कि दिन में पानी पीना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा ना करते हो। आप पी तो कभी सुबह थोड़ा पानी पीते हो, फिर दोपहर में थोड़ा पानी पी लेते हो, फिर शाम को थोड़ा थोड़ा पानी पी लेते हो। ऐसे ही क्रॉप्स को भी अलग अलग टाइम पर वाटर देना होता है। और ये जो हम लोग वाटर की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग क्रॉप्स की अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं आपसे राइस की क्रॉप की बात करूं तो उधर हमें पानी ज़्यादा देना पड़ता है, उनकी वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर क्रॉप। सीजन टू सीजन भी ये डिफरेंस आता है। अब क्रॉप्स को वाटर देने के और भी बेनिफिट हैं। क्रॉप्स एक तो ग्रो करती हैं अच्छे से, साथ ही में हम लोग क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। हॉट एयर करंट्स जो हम लोग बोलते हैं, गर्म गर्म जो हवा होती है उससे, और फ्रॉस्ट। अब फ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन के अंदर? फटाफट कमेंट करके बताना। लेकिन अब हमें ये पता चला कि वाटर इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाटर आता कहाँ से है? सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। द सोर्स ऑफ इरीगेशन आर वेल्स।
ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स, कैनाल्स, तो यहाँ सबसे पानी आता है। अब पानी हमें पता चला कि यहाँ से आता है, लेकिन हम वहाँ से पानी लेकर कैसे आएँ अपनी फील्ड तक? तो इसके लिए ट्रेडिशनल सिस्टम्स भी हैं और कुछ मॉडर्न सिस्टम्स भी हैं। अगर हम लोग ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करें तो ये वाले मेथड्स काफ़ी चीप थे, लेकिन बहुत इनएफिशिएंट थे, लेस एफिशिएंट थे, मतलब कि काफ़ी अच्छे से काम ये मेथड्स नहीं करते थे। वाटर की रिक्वायरमेंट हम फील्ड की पूरी नहीं कर पाते थे इन सिस्टम से। एक तो है मोट पुली सिस्टम, फिर है चेन पंप, फिर देखली और फिर राहत। एक एक करके हम देख लेते हैं। तो मोट पुली सिस्टम कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें क्या करा है, एक फार्मर ने मोट पुली सिस्टम लगा दिया है और जो आपका कुआं होता है, वेल होता है, उससे पानी निकाल रहा है। फिर आता है हमारा चेन पंप सिस्टम। अब यहाँ पर एक चेन है, ये क्या कर रही है, वाटर को कलेक्ट करके आपकी फील्ड तक दे पा रही है। फिर क्या हुआ है, फिर देखली के अंदर क्या करा है, फार्मर ने काफ़ी स्मार्टली एक बाल्टी को कनेक्ट करा है डंडी से और पीछे एक पत्थर को रख दिया है। अब वाटर को ये निकाल के डालता जाएगा अपनी फील्ड के अंदर और फिर दोबारा से बकेट हो गई, इसको नीचे भेज देगा वेल के अंदर और पानी दोबारा कलेक्ट हो जाएगा। अब देखली के अंदर क्या होता है, देखली के अंदर थोड़ा सा ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। यहाँ पर एक हम लोग क्या करते हैं, एक बैल टाइप जो हो गया हमारा, आप समझ सकते हो कि कोई एनिमल हो गया, फार्म एनिमल, उसको बांध देते हैं। वो गोल गोल घूमता है और गोल गोल जब घूमता है तो ये जो पहिया है ये भी गोल गोल घूमता है। इन दोनों मशीन से हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं तो जो वाटर है वो अपने आप बाहर आता रहता है और हमारी फील्ड के अंदर जाता रहता है। तो ये क्या हो गया हमारा, राहत। हमने चारों सिस्टम्स देख लिए, ये थे हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम। लेकिन कुछ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन भी हैं। जो मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन है उससे हम लोग वाटर को इकोनॉमिकली यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट नहीं होता इसमें वाटर। एक तो है स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम के अंदर क्या होता है, फुव्वारे लग जाते हैं, ये देख रहे हो आप। आपने ज़रूर अपने स्कूल के गार्डन में देखा होगा कि एक पाइप लगा होता है बीच में, सेंटर में, और वो गोल 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 चारों तरफ पानी देता है। तो इसी तरीके से ये स्प्रिंकल सिस्टम होता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर स्प्रिंकलर्स लगे हैं जो गोल गोल घूम के चारों तरफ फील्ड में पानी देते हैं। फिर आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम के अंदर क्या होता है, देखो हम लोग कुएं के अंदर से एक मोटर को कनेक्ट कर देते हैं और ये मोटर पानी को फेच करती है, बाहर लाती है, और एक पाइप लगा देते हैं हम लोग। अब ये जो पाइप लगाई है ना, इसमें बिल्कुल पास पास में हम लोग हर एक क्रॉप के पास पास में थोड़ा थोड़ा पीस इस पाइप का कट कर देते हैं, जिससे कि एक एक दो दो बूंद इन क्रॉप्स के पास वाटर पहुंचता रहे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा ड्रिप सिस्टम हो गया। ये कौन से हमारे सिस्टम्स थे, ये थे मॉडर्न, और ये वाले कौन से थे, ट्रेडिशनल। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरीगेशन का। अब हमने सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली, क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। अब क्रॉप्स के साथ कुछ अनवांटेड या फिर अनडिजायरेबल प्लांट्स भी ग्रो करने लगते हैं और इन्हें ही हम लोग बोलते हैं वीड्स। अब हमें क्या करना पड़ता है, अपनी फील्ड को प्रोटेक्ट करना पड़ता है इन वीड्स से। अब रिमूवल ऑफ जो वीड्स है उसको हम लोग बोलते हैं वीडिंग। इस वाले प्रोसेस को जब हम लोग अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करते हैं अपनी फील्ड से, उसे हम लोग बोलते हैं वीडिंग, WEEDING, वेडिंग नहीं, वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। अब वीडिंग ज़रूरती क्यों है, ज़रूरत क्या है हमें वीडिंग करने की। मान लो हमने क्रॉप्स ग्रो करे, अब क्रॉप्स के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, वाटर होगा, जिस स्पेस पे क्रॉप ग्रो कर रही होगी, जितनी सनलाइट उसे मिल रही होगी, उसकी जगह में कौन सनलाइट उसके न्यूट्रिएंट और वाटर लेने लग जाएगा, वो अनवांटेड प्लांट्स जिन्हें हम लोग वीड्स बोलते हैं। तो बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। तो बेस्ट टाइम कौन सा होता है वीड्स को रिमूव करने का, हम लोग तब इन्हें रिमूव करें जब ये लोग फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस करने वाले हों। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। अब वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोग केमिकल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स से क्या हो जाता है, आप अपनी फील्ड के अंदर स्प्रे कर दो वीडिसाइड्स, जैसे ये अंकल कर रहे हैं अपनी फील्ड के अंदर स्प्रे वीडिसाइड्स को, होली की पिचकारी टाइप होती है ये मशीन, इससे कर देते हैं पूरे में स्प्रे, और इससे क्या होता है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो ग्रो नहीं करते। अब वीडिसाइड्स के यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं 2 and 4D, तो ये हमारे होते हैं वीडिसाइड्स। These are sprayed in the field, इनको स्प्रे कर देते हैं फील्ड के अंदर और इससे सारे वीड्स ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन क्या वीडी जो ये हमारे वीडिसाइड्स होते हैं, वीडिसाइड्स से क्या हमारी क्रॉप्स भी डैमेज हो सकती हैं, बिल्कुल नहीं, हमारी क्रॉप्स डैमेज नहीं होती। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर। हम लोग वीडिसाइड्स के अंदर थोड़ा सा पानी मिलाते हैं
और फिर स्प्रे कर देते हैं फील्ड के अंदर, इसी से वीड्स ख़त्म हो जाते हैं। तो ये नया मेथड है। पहले ज़माने में तो ये होता था कि लोग अपने हाथों से उखाड़ते थे जो अनवांटेड प्लांट होते थे। अनवांटेड प्लांट में जैसे घास वगैरह होगी, घास तो कोई नहीं खाता, घास तो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं। तो ये क्या करते थे, अनवांटेड प्लांट्स जैसे घास उग गई कहीं फील्ड के अंदर क्रॉप्स के साथ में, तो उन्हें फिर अपने हाथों से निकालते थे पुराने ज़माने में। लेकिन अब तो किसका यूज़ कर लेते हैं, वीडिसाइड्स का। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग मतलब कि अब हमारी क्रॉप उग गई, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी मैच्योर क्रॉप्स को कट करना पड़ेगा। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं। तो मैन्युअली हम लोग करते हैं सिकल के साथ, या फिर हम लोग मशीन का भी यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है हार्वेस्टर। अब देखो मैन्युअली ऐसे होता है, ये आपको सिकल दिख रहा है, एक चाकू जैसी चीज़ होती है गोल सी, जिससे हम लोग अपनी जो भी क्रॉप्स होती है उन्हें काटते रहते हैं और कलेक्ट करते रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है, ट्रेडिशनल मेथड है, पुराने ज़माने में ऐसे ही लोग करते थे, अभी भी कई जगहों पर यही मेथड फॉलो होता है। लेकिन अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके अंदर लोग यूज़ करते हैं हार्वेस्टर का। हार्वेस्टर क्या करता है, सारी की सारी जो भी हमारी क्रॉप्स है उन्हें अच्छे से कलेक्ट कर लेता है। अब हार्वेस्टेड क्रॉप को हम लोग क्या करते हैं, शाफ से सेपरेट करते हैं। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये देख रहे हो हार्वेस्टर क्या कर रहा है, ये सारी की सारी जो क्रॉप्स है उन्हें कलेक्ट कर रहा है। लेकिन इसमें खाने वाली चीज़ कौन सी है, खाने वाली चीज़ है बस ऊपर वाली, और नीचे क्या है, बिल्कुल घास है। अब इस घास को भी तो अलग करना पड़ेगा हमें, जो हमारी मेन क्रॉप है उससे। तो हम लोग इसको कैसे अलग करें, इसको अलग करने का तरीका होता है विनोइंग के थ्रू। तो फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड्स डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स बाय शाफ बाय विनोइंग। तो विनोइंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं। अब देखो विनोइंग में क्या होता है, हमने सारे क्रॉप्स को कलेक्ट करा, क्रॉप्स को थोड़े डिस्टेंस से हम लोगों ने ज़मीन के ऊपर गिराया, तो जो हमारी सीड्स होते हैं वो हैवी होते हैं क्रॉप्स के, या जो क्रॉप्स होते हैं वो हैवी होते हैं, वो नीचे आ जाते हैं ग्रेन्स जो होते हैं, और जो हस्क मतलब जो घास होती है वो हवा के अंदर उड़ जाती है। तो हमारे जो ग्रेन्स हो गए वो हमें अलग मिल जाते हैं, और जो हस्क होती है वो अलग हो जाती है। अब इसके अंदर शायद थोड़ी बहुत हस्क मिक्स हो जाती होगी, उसको हम लोग हाथ से भी सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो घास होती है हस्क होती है वो इसी प्रोसेस में विनोइंग में निकल जाती है। अब हमारे पास तैयार हैं फाइनली ग्रेन्स। आपको पता चला कि अब फूड को वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, इतने मुश्किल से बेचारा फूड प्रिपेयर हुआ है, अब हमें इसको स्टोर करना पड़ता है। स्टोर जाते हैं और जो हस्क होती है वो अलग हो जाती है। अब इसके अंदर शायद थोड़ी बहुत हस्क मिक्स हो जाती होगी, उसको हम लोग हाथ से भी सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो घास होती है हस्क होती है वो इसी प्रोसेस में विनोइंग में निकल जाती है। अब हमारे पास प्रोड्यूस हो जाते हैं और ख़राब हो जाती है हमारी ग्रेन्स। तो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है इसको स्टोर करना। स्टोर करने के लिए लोग क्या करते हैं, इनको प्रॉपरली ड्राई कर देते हैं, सुखा देते हैं धूप के अंदर, जिससे कि मॉइस्चर जो है वो रिड्यूस हो जाए क्रॉप्स के अंदर से, हमारी जो ग्रेन्स है उनके अंदर से। और मॉइस्चर रिड्यूस होने से क्या होता है, इंसेक्ट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए और फंगाई हो गए, इन सब से प्रोटेक्शन मिल जाती है। क्यों हम लोग इनको ड्राई करते हैं सन के अंदर, मॉइस्चर क्यों इसका रिड्यूस करते हैं, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। तो फार्मर्स क्या करते हैं, स्टोर करते हैं अपने ग्रेन्स को जूट बैग्स के अंदर। आपने देखा होगा ब्राउन कलर के होते हैं बैग, बोरा बोलते हैं जिन्हें हिंदी में हम लोग, उसके अंदर स्टोर करते हैं। कुछ इस तरीके से दिखते हैं बैग, आपने देखे होंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर दो जगहें हैं जहाँ पर स्टोर करते हैं, एक तो सिलोज और फिर दूसरा ग्रैनियर्स। तो ग्रैनियर्स और सिलोज के अंदर हम लोग स्टोर करते हैं हमारे क्रॉप्स को। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोज। बहुत सारे आपको ग्रेन स्टोर करने हो तो आप किसका इस्तेमाल करते हो, सिलोज का। और जो ग्रैनियर्स होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे इन क्रॉप्स को, हमारे इन ग्रेन्स को फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स, इंसेक्ट्स और ड्राइड नीम लीव हम लोग इनके अंदर यूज़ करते हैं, जिससे कि स्टोर कर पाए हमारे फूड ग्रेन्स को अच्छे से। तो अब ये ड्राइड नीम लीव्स कब यूज़ करते हैं हम लोग, जब हमें कुछ ग्रेन्स अपने घर पर रखने हो। अब फार्मर्स ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे ग्रेन्स को सेल कर देंगे, कुछ ग्रेन्स को वो लोग अपने घर पर खाने के लिए भी बचा कर रखते हैं, तो उसके अंदर वो ड्राइड नीम लीव ऐड कर देते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउंस, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आपने ग्रैनियर्स देखा, सिलोज देखा, इसके अंदर हम लोग केमिकल्स का यूजेज करते हैं, जिससे कि यहाँ पर रैट चूहे ना आए, कोई कीड़ा ना आए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक ना करें, तो इन सब चीज़ों से हम लोग बचा पाते हैं। अब बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स रियर्ड
एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री। तो हमें जितना बुक के अंदर डिटेल में बताया उतना ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या होता है, हम लोग एनिमल्स को पालते हैं अपने घर के अंदर या फार्म के अंदर जिससे कि हमें खाना पीने की चीज़ मिल पाए, हम लोग उनका ध्यान रखते हैं। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं, अगर हम लोग इसे बहुत बड़े लेवल पे करें, एनिमल हस्बेंड्री। जैसे आपने अपने घर के अंदर एक काऊ को पाला जिससे आपको दूध मिल सके, अब आपने ऐसी ही 20 काउस को पाल लिया जिससे कि आप उनका दूध बेच भी सको और कुछ दूध पी भी सको, तो इसे हम लोग बोलेंगे, जब आपने लार्ज स्केल पे 20 काउस को पाला तो उसे बोलेंगे हम लोग एनिमल हस्बेंड्री। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो फिश का एक एग्जाम्पल दिया है। फिश क्या है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। जो हमें फिश से कॉड लिवर ऑयल मिलता है वो रिच होता है इन विटामिन डी, विटामिन डी के अंदर बहुत रिच होता है। तो यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहीं पर हमारा बच्चों चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अच्छे से समझ में आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और मुझे ज़रूर बताएं कि आपके घर में जो ग्रेन्स है वो कैसे स्टोर होता है। क्या आपकी मम्मी ग्रेन्स के अंदर नीम लीव्स डालती हैं या सिर्फ फार्मर्स ही नीम लीव्स का यूज़ करते हैं। चलो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।